हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुंबई इंडियंस के ऐसे तीन प्लेयर्स जो कि यहाँ पर रिलीज़ होने वाले हैं। होने वाले नहीं, बल्कि हम ये बोलेंगे कि ये रिलीज़ हो ही चुके हैं, कम्प्लीटली कंफर्म ये न्यूज़ आ चुकी है। तो ऐसे में कौन से प्लेयर्स हैं जो कि मुंबई इंडियंस से बाहर हो चुके हैं, और IPL ऑक्शन में मुंबई इंडियंस इनके रिलीज़ होने के बाद जो भी पैसा है उसका यूटिलाइज़ कर सकती है, यही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो आप चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और उसके साथ आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हो जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब यहां पर IPL की जो ट्रेडिंग विंडो है वो जल्दी क्लोज हो जाएगी। इसके साथ IPL का जो ऑक्शन है वो भी अब करीब एक महीना ही दूर बचा है। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस ने भी काफी एक्टिवनेस वहां पर दिखाई थी ट्रेड विंडो में, जहां पर उन्होंने ट्रेड कर दिया था मयंक मार्कंडे को रदरफोर्ड के साथ। हालांकि ये ट्रेड थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि सारे लोग पूछ रहे थे कि मयंक मार्कंडे का इतना कमाल का सीजन गया था उसके बाद भी आपने उन्हें बाहर क्यों किया। तो मुंबई इंडियंस के पास भी यहां पर अपना एक पक्ष था। उन्होंने बोला कि यहां पर हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे स्पिनर्स हैं, हमारे पास राहुल चहर हैं, हमारे पास क्रुणाल पांड्या भी हैं, तो ऐसे में मयंक मार्कंडे की जगह बन नहीं रही थी टीम में। खैर, इसके बाद यहां पर मुंबई इंडियंस के तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहां पर रिलीज हो चुके, वो हमें यहां पर खेलते हुए नजर नहीं आने वाले IPL 2020 में। तो इस लिस्ट में यहां पर सबसे पहला जो नाम आता है वो है युवराज सिंह का। ऑब्वियसली काफी बड़ा नाम है युवराज सिंह का, लेकिन कहीं ना कहीं IPL 2019 में भी जब मुंबई इंडियंस से जुड़े थे तो उस टाइम पे भी हमें पता था कि मुंबई की जिस तरह की टीम है, युवराज सिंह उसमें कहीं ना कहीं सेटल हो नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि यहां पर बेस प्राइस पर ही खरीद लिया था मुंबई ने उनको, जो कि था 1 करोड़। हालांकि मुंबई ने उनको अपने साथ जोड़ तो लिया, लेकिन उनको बहुत ज्यादा चांसेस नहीं मिले। सिर्फ 4 मैचेस खेलने का मौका मिला, उसमें 150 हालांकि मारी थी, 98 रन स्कोर किए थे, लेकिन ये काफी नहीं था मुंबई इंडियंस के लिए। और मुंबई के एक टीम बैलेंस में युवराज सिंह वहां पर फिट होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, और उसी टाइम हमको पता चल गया था कि युवराज सिंह का शायद ये लास्ट सीजन हो IPL का। और यही हुआ, जैसे ही IPL खत्म हुआ और उसके बाद युवराज सिंह ने अनाउंसमेंट करी अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से कि वो रिटायर हो रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि वो IPL से भी रिटायर हो जाएंगे। तो इसके साथ ही युवराज सिंह यहां पर कंफर्म रिलीज हो गए मुंबई इंडियंस से, तो वो हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं प्लेयर नंबर 2 जो कि मुंबई इंडियंस से बाहर हो चुके हैं, और वो हैं जेसन वेंड्रोफ। इनके बारे में हम पहले भी चैनल के ऊपर बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इनका बैक इंजरी का काफी तगड़ा इशू चल रहा है, और ऐसे में इनकी बैक इंजरी से रिकवर होने में इनको एटलीस्ट 1 साल यहां पर लगने वाला है। तो इनकी बैक इंजरी कुछ ज्यादा ही सीरियस है, और न्यूजीलैंड में जाकर ये अभी अपना इलाज करवा रहे हैं। तो ऐसे में ये भी यहां पर मुंबई इंडियंस कंफर्म रिलीज करेगी, क्योंकि इनकी भी जगह अब टीम में नहीं बनती, और खासकर इंजरी के बाद तो बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फिलहाल हम बात करते हैं तीसरे और फाइनल प्लेयर के बारे में जो कि मुंबई से रिलीज तो नहीं, बल्कि वो तो IPL से ही बैन हो चुके हैं, और उनका नाम है यहां पर रासिक सलम। अगर आप इनको जानते हैं तो जम्मू कश्मीर से यहां फास्ट बॉलर थे, लेकिन यहां पर ICC ने इनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है, तो जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस तो क्या ये IPL से भी दूर रहेंगे, और ये हर तरह के क्रिकेट से यहां पर दूर रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये तीन प्लेयर यहां पर नहीं है मुंबई इंडियंस में, तो इन तीन प्लेयर्स को रिलीज करके मुंबई इंडियंस को थोड़ा बहुत पैसा कलेक्ट हो जाएगा। वेंड्रोफ का डिसेंट प्राइस है, उसके साथ ही यहां पर युवराज का 1 करोड़ अच्छा खासा प्राइस है, और उसके साथ यहां पर इनके भी इनको बेस प्राइस मिल जाएंगे। तो ऐसे में इन सब चीजों को अगर मिलाकर देखें तो मुंबई इंडियंस का पर्स मनी थोड़ा सा बढ़ गया है, और ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि कंफर्म मुंबई इंडियंस से बाहर हो चुके हैं IPL 2020 के लिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों के हिसाब से मुंबई इंडियंस को इन तीन रिलीज प्लेयर्स के बदले कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।